गेम जिसका नाम है ब्लैक मिथ फू कॉन्ग, उसके पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये बात बताने की जरूरत है कि ये जो गेम है ब्लैक मिथ फू कॉन्ग, ये साल 2024 का सबसे हाइप्ड गेम है। तो इसी वजह से जो मेरी एक्साइटमेंट है वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। प्लस जो इसका ग्राफिक्स यही से नजर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी गेम स्टार्ट होगा तो क्या क्या होगा। और फिलहाल भी मैं सच्ची बता रहा हूँ, ब्लैक मिथ फू कॉन्ग के एपिसोड स्टिल ही आते रहेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को लाइक करिए, 10 के लाइक्स जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर दीजिए। और मैं सच में वादा करता हूँ कि जब तक ये गेम पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है, डेली इसके एपिसोड्स आते रहेंगे, वो भी सुबह सुबह ही। और सुबह सुबह से याद है, मैंने सुबह ही अखबार में पढ़ा था कि भाई आज सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मैं गेम स्टार्ट करूँ, एक आखिरी बात, आप लोग जानते हो कि बातें बहुत सारी होंगी और कहानी इसकी बहुत ज्यादा डीप है, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक एक जो स्टोरी है वो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा आराम आराम से, और गेम खेलेंगे भाई फुल मजे के साथ। तो खाने पीने के लेके बैठ जाइए, आज के ये पहला एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है। भाई ये तो अच्छा था, मेन्यू स्क्रीन ही से स्टार्ट हो गया, सही है। ये जो स्टार्टिंग में दानव टाइप के नजर आ रहे हैं, इन्हीं से फाइट करना है क्या? पता नहीं, हो सकता है, देखते हैं। आ जाओ, ओह माय गॉड, बता नहीं सकते एक्साइटमेंट से और टेंशन से हालत खराब है, इन सबसे फाइट करना एक साथ मजा आया। मंकी किंग को मारने के लिए पूरी आर्मी लेकर आए, लेकिन लगता नहीं कितनी भी काफी होगी। नहीं मास्टर, इट्स सेफ, दिस कुछ found. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me, to obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You are not this in my time! You're very dangerous. I'm going to talk to you first. I'm going to see what's going on. He's a monkey of merit. A monkey is made good of us. None other than me can charge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They'll stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless.
How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us. Entertainment. Wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'd slaughter each member of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of me. Bungee kick the challenge accepted. Le aajo isko maarte. Yeah.
बताइए तो फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं हार गया और कुछ टाइम बीत गया। ओहो, कहानी, गेम प्ले, ग्राफिक्स बहुत मस्त है। कहानी के बारे में अभी बात करेंगे, जो टेंशन नहीं लेने का। And so ends the last tale of Sun Wukong. Sun Wukong bole to manji dikhe gaya. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes. But cumbersome he found the celestial rules. For he yearned to come back and to revel in the soup of joys with us. Did he know his choice to forgo the life above only fueled their mistrust? मुझे पता ही क्या लग रहा था कि इस गेम के मेन हीरो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सुन वुकांग यानी कि मंकी किंग है, लेकिन गलत लग रहा था क्योंकि सुन वुकांग तो आई थिंक इस साथी में हार गए और उनको पत्थर बना दिया है शायद। देखते हैं। This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. अच्छा, सुन वुकांग ने अपनी आत्माओं को छह भाग में बांट दिया ना भाई, जबरदस्त है यार। Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them. Nothing senses. तो इस कहानी में जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की जो गॉड्स यानी समझो कि दिव्य शक्ति है, वो सुन वुकांग पे उतना भरोसा नहीं करते। और सुन वुकांग अपनी तपस्या से बुद्धा बन गया और वो अमर हो गए। और इसकी जो दिव्य शक्ति, उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ आके रहो और हमारी सभा में रहो, हमारे अंडर में काम करो। लेकिन सुन वुकांग को ये सब भार नहीं संभालना था, इसलिए वो पहाड़ में आकर अपना चैन से रहने लगे। लेकिन इस वर्ल्ड के गॉड से आर्मी भेज दी। स्टार्टिंग में इस लेवल की फाइट करवा दी है कि अब ये फुंतरू थोड़ी मार पाई है।